सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन लंगूर के बारे में, यानी कि सुनहरे लंगूर के विषय में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। फिलहाल जो बात है वो है कि 2005 में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा पहली बार हो रहा है जब गैर मानव लाभार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये गैर मानव लाभार्थी पश्चिमी असम के बोंगईगांव जिले में आरक्षित वन के दुर्लभ गोल्डन लंगूर हैं, यानी कि सुनहरे लंगूर हैं। गोल्डन लंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रैकिपिथेकस गी। जाने मनरेगा के तहत क्या कार्यक्रम इनसे संबंधित किया गया है। 5 जून को जिला अधिकारियों ने मनरेगा के तहत कुछ फलों के पौधे लगाने का काम शुरू किया है, जो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, जिसमें आम, अमरूद, ब्लैकबेरी और इससे अलग अन्य पौधों को लगाने के लिए 27.24 लाख का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसे सुनिश्चित किया जा सके कि 17 वर्ग किलोमीटर में जो गोल्डन लंगूर है वो गोल्डन लंगूर वहां के निवासी रहें। अब भोजन की तलाश में इन लंगूरों को रिजर्व जंगलों से बाहर आना पड़ता है। अब इसके लिए इन्हें रिजर्व जंगलों से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये भोजन की तलाश में रिजर्व जंगलों से बाहर आते हैं तो इस दौरान कई गोल्डन लंगूर की मृत्यु इलेक्ट्रोक्यूशन और सड़क दुर्घटना में हो जाती है। ये काम जो शुरू किया जा रहा है ये कोकीजाना रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित है और इसके आसपास के 34 गांव इनके साथ एनजीओ के द्वारा कोकीजाना में लंगूरों की आबादी को 2015 में इन गांवों के सहयोग से और एनजीओ के सहयोग से 500 तक पहुंचाने में मदद मिली है। यानी कि यहाँ पर एक सामुदायिक सहयोग की बात कह सकते हैं कि सामुदायिक सहयोग की वजह से जो ये गोल्डन लंगूर हैं, जो दुर्लभ प्रजाति हैं, इसको यहाँ पर संख्या बढ़ाने में सहायता मिली है। और ये पहली बार है जब मनरेगा का उपयोग एक प्राइमेट प्रजाति के भोजन पर ध्यान रखने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि ये प्रजाति भूखी ना मरे और इसे भोजन उपलब्ध हो जाए और इसे जो इनका निवास स्थान है, जो इनका एरिया है, उसी एरिया में इन्हें भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। गोल्डन लंगूर, इसके विषय में अगर जाने तो गोल्डन लंगूर का वैज्ञानिक नाम है ट्रैकिपिथेकस गी। ये पश्चिमी असम और भारत भूटान की सीमा से सटे हुए इलाकों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये भारत के वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा हाल ही में खोजे गए प्राइमेट्स में से एक हैं। इनकी खोज की गई थी 1953 में ईपी गी के द्वारा औपचारिक रूप से, इसीलिए गी स्पीशीज जो इसकी रखी गई है इन्हीं की खोज कर इन खोजकर्ता के नाम पर ही रखी गई है। IUCN की लाल सूची में इस प्रजाति को एंडेंजर्ड स्पीशीज की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में इसको रखा गया है। हाल के वर्षों में कई एनजीओ और प्राइमेटोलॉजिस्ट ने असम के आसपास के कई खंडित वन अधिवासों में प्राइमेट्स के संरक्षण के लिए काम शुरू किया है और ये संरक्षण का जो काम शुरू किया है इसका एक असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इससे लंगूरों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। तो हम गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के विषय में भी अगर बात करें तो असम का जो चिड़ियाघर है उसमें गोल्डन लंगूर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई और ये परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 2011-12 में। इस परियोजना के लिए जो फंड चाहिए, यानी कि जो धन चाहिए, उसकी व्यवस्था है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा। इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि जो गोल्डन लंगूर दुर्लभ प्रजाति में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इस गोल्डन लंगूर की प्रजाति को संरक्षित करना, उसे कंजर्व करना। असम राज्य चिड़ियाघर के विषय में बात करें, यानी कि जो असम चिड़ियाघर है उसमें गोल्डन लंगूर से संबंधित, संरक्षण से संबंधित GLCP यानी कि एक प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इसलिए असम चिड़ियाघर के विषय में भी जान लें। असम चिड़ियाघर राजधानी गुवाहाटी के हेंगारी रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। इस चिड़ियाघर का जो क्षेत्रफल है वो 175 हेक्टेयर है और इसमें 82 हेक्टेयर में वनस्पति उद्यान शामिल है। चिड़ियाघर में 112
अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में और उद्घाटन किया गया था एक वर्ष बाद यानी कि सन 1958 में। इस चिड़ियाघर को गुवाहाटी शहर के ग्रीन लंग के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति में भी बहुत विविधता पाई जाती है और एक बहुत बड़ा एरिया है जो बॉटनिकल गार्डन से संबंधित है, तो इसलिए इसको ग्रीन लंग की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु गोल्डन लंगूर से संबंधित वर्तमान में क्यों चर्चा में आया, उसके कंजर्वेशन से संबंधित, उसके प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और इनसे संबंधित कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को आज के वीडियो में शामिल किया। तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक लगातार साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।